क्या इस दुनिया में हर किसी का पुनर्जन्म होता है? क्या रियल लाइफ में फिल्मों में दिखाई जाने वाली पुनर्जन्म की कहानियाँ रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं? हमने कई बार लोगों को पुनर्जन्म की बातें करते हुए देखा है, कई नॉवेल्स में, कई फिल्मों में भी देखा है। तो क्या पुनर्जन्म या कहे तो री इंकारनेशन जैसा कॉन्सेप्ट सच में एग्जिस्ट करता है? और अगर करता भी है तो हमारे लाइफ में इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम इस कॉन्सेप्ट से क्या समझ सकते हैं? वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि आज इस वीडियो में ना सिर्फ हम पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को लॉजिकली और शास्त्रिकली देखेंगे, बल्कि कुछ रियल लाइफ केसेस को भी देखेंगे जिसमें लोगों का सच में पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पुनर्जन्म या री इंकारनेशन बेसिकली होता क्या है। री इंकारनेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक स्पिरिट सोल यानी कि आत्मा मृत्यु के बाद एक नए शरीर बॉडी को एक्सेप्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शांति देवी के केस पर रोशनी डालते हैं, जिनके पुनर्जन्म की बातें पूरे देश में बहुत पॉपुलर है और जिनको उस टाइम महात्मा गांधी की भी अटेंशन मिली। दोस्तों, बात है 11 दिसंबर 1926 की, जब दिल्ली के बाबूरंग बहादुर माथुर के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम शांति देवी रखा गया। महज 4 साल की उम्र में वो अपने माता पिता को बताती थी कि उनके पिछले जन्म में वो कौन थी, कहाँ रहती थी और उनका नाम क्या था। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो वहाँ के बच्चों ने बताया कि शांति देवी अपने पति के बारे में बात करती है और कहती है कि उनका एक बच्चा भी है। उनका नाम लुगड़ी देवी था और उनके पति मथुरा में रहते थे, जिनका नाम केदारनाथ चौबे है। उन्होंने अक्टूबर 1925 में अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। शांति देवी ने लेबर पेन और डिलीवरी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो कि ऑब्वियसली एक छोटी बच्ची अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से नहीं बता सकती। शांति देवी के एक दूर के रिश्तेदार भीचन चंद्र ने केदारनाथ चौबे को एक लेटर लिखा और पूरा इंसिडेंट बताया। केदारनाथ अपने बच्चे और तीसरी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंचे। 9 साल की शांति देवी अपने 10 साल के बच्चे को पहचान कर बहुत रोई। शांति देवी ने दावा किया कि वो घर का एड्रेस बता सकती है और घर में रुपए का डब्बा कहाँ रखा है वो भी बता सकती है। केदारनाथ ने कहा कि शांति देवी ने लुगड़ी देवी और उसके घर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो लुगड़ी देवी के अलावा किसी को नहीं पता थी। शांति देवी अपने मथुरा के घर में पहुंचने पर अपने ससुर जी से मिली और उन्होंने उन्हें पहचान लिया। शांति देवी ने यह भी बताया कि बहुत समय पहले केदारनाथ ने घर के पीछे गमले में कुछ पैसे रखे थे। टीम के जांच करने पर टीम को वहां गमला तो मिला पर पैसे नहीं मिले। बाद में केदारनाथ चौबे ने बताया कि उन्होंने वहां से पैसे निकाल लिए हैं। कमेटी ने आसपास के लोगों से बात की और इस केस को डिटेल में स्टडी किया। फरवरी 1936 में उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि शांति देवी ही लुगड़ी बाई है और उनका पुनर्जन्म हुआ है। इस केस को पूरी वर्ल्ड की मीडिया से अटेंशन मिली और ये केस मानो रातों रात बहुत पॉपुलर हुआ। काफी स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने इस फेमस केस को स्टडी किया। इयन स्टीवेंसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर थे और वो अपनी री इंकारनेशन की रिसर्च के लिए बहुत पॉपुलर थे, इयन स्टीवेंसन ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि 24 ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं दैट लुगड़ी बाई री इंकारनेटेड एज शांति देवी। एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है जिसमें शांति देवी का इंटरव्यू KS रावत, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, वो ले रहे हैं और शांति देवी अपने बारे में और लाइफ के बहुत बड़ी चीजों के बारे में कुछ बता रही है। What do you expect from your future? I think that I will reach salvation in the future. Everybody has to go through the highs and lows of birth and rebirth. With this life, the cycle ends. I will go to God in my next life. तो दोस्तों, चलिए इस री इंकारनेशन को शास्त्रों से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स ही बेस है जिसे हम लॉजिक के बियॉन्ड देख सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट स्क्रिप्चर भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 22 में भगवान कहते हैं, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्याय संयाति नवानि देही। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और अनुपयोगी शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को ग्रहण करता है। और भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 27 में भगवान कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्थेन त्वं सोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना निश्चित है, अतः अपने कर्तव्य के अपरिहार्य निर्वाहन में आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि अगला जन्म कौन सा मिलेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? इसका उत्तर दोस्तों भगवद गीता में ही बताया हुआ है और वो ये है कि हमारे कर्मास और डिजायर्स ये बात निर्धारित करती है कि हमारा अगला जन्म कौन सा होगा और कहाँ होगा। चलिए भगवद गीता के चैप्टर 8 श्लोक नंबर 6 को देखते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है तो जिस किसी भी अवस्था का या विषय वस्तु का वह स्मरण करता है वह निश्चित रूप
से उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। राधे श्याम प्रभु एक मंक और ऑथर है। वे इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं। जब वे IIT बॉम्बे हॉस्टल में रहते थे तो उनका एक मित्र US से मास्टर्स करना चाहता था। वो दोस्तों पर रॉब जमाने के लिए US एक्सेंट में भी बात करता था। वो सिर्फ हॉलीवुड मूवीज ही देखता था। उसके रूम में US रिलेटेड पोस्टर्स भी थे और वॉलपेपर्स भी थे। वो रॉक म्यूजिक ही सुनता था। यहाँ तक कि उसके टी शर्ट और कपड़ों में भी US फ्लैग होता था। राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि यदि उसी समय उसकी मृत्यु होती तो US के प्रति उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स ये निश्चित करती है कि उसका अगला जन्म US में ही हो। पर दूसरा फैक्टर कर्मा भी है। यदि पुण्य का बैलेंस सफिशियंट ना हो तो US में उसे कुत्ता बिल्ली या चींटी का शरीर भी मिल सकता था। दोस्तों ये जो प्रकृति है मटेरियल नेचर, ये हमारे कर्म और डिजायर दोनों को ध्यान में रखती है। 5 एलिमेंट्स या 5 महाभूत से बने शरीर को ग्रॉस बॉडी कहते हैं, जो कि डेथ के बाद छूट जाता है। आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसे सटल बॉडी कहते हैं, जो कि माइंड इंटेलिजेंस और ईगो से बना हुआ होता है। इसी सटल बॉडी के थ्रू इस जन्म के इंप्रेशन नेक्स्ट लाइफ में चले जाते हैं। इयन स्टीवेंसन अपनी एक रिसर्च में कहते हैं कि फोबिया हमारी पास्ट लाइफ का भयानक इंसिडेंट से रिलेट होता है। यदि किसी की डेथ पानी में डूबकर हुई हो तो हो सकता है कि अगले जन्म में उसे एक्वाफोबिया नाम का एक फोबिया हो। सिमिलरली हाइट से फोबिया, फायर से फोबिया हो सकता है। शांति देवी अपने घर परिवार और बच्चे से बहुत ही अटैच थी। और जैसा कि शांति देवी ने एक और बात बताई कि पिछले जन्म में वो रोज मंदिर जाया करती थी, तो इसलिए शायद उसके मंदिर जाने के पुण्य कर्म ने उसे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ तो दे दी, पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के कारण वो इंप्रेशंस वे नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं भूल पाई, जिसमें उन्हें अपनी पिछली जिंदगी और बच्चे के बारे में इतनी सटीक जानकारी थी। इयान स्टीवेंसन ने ऐसे 3000 केसेस के रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अगर आपको वो रिपोर्ट देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में एक जेम्स नाम के लड़के के बारे में मेंशन है। जेम्स अपनी पास्ट लाइफ में World War II के पायलट रह चुके थे। उनकी री इंकारनेशन की स्टोरी में वो प्लेन फाइट में मारे जाते हैं और अगली लाइफ में भी प्लेन फाइट को नहीं भूल पाते। उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों भगवद गीता के चैप्टर 8 वर्स नंबर 5 में एक श्लोक आता है, अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम यः प्रयति स मद्भावम यति नास्ते अत्र संशयम्। जिसका अर्थ है कि जो मनुष्य जीवन के अंत में केवल मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस री इंकारनेशन के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं, जिसे मोक्ष लिबरेशन कहा जाता है। यदि हम अपने जीवन के अंत समय में भगवान को याद करें, उनका यदि नाम ले तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं, जहाँ पर जन्म मृत्यु और दुख कुछ नहीं होता। भगवद गीता के अकॉर्डिंग हमारी सोल इटर्नल और इंडेस्ट्रक्टेबल है। शरीर एक टेम्पररी शेल की तरह है जिसमें आत्मा रहती है और आत्मा बर्थ डेथ ग्रोथ से अफेक्ट नहीं होती। जब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आत्मा उसे लीव करके दूसरे बॉडी में एंटर करती है। ट्रांसमाइग्रेशन का ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आत्मा बर्थ और डेथ के रिपीटेटिव साइकिल से लिबरेट नहीं हो जाती। भगवद गीता बताती है कि आत्मा इटर्नल है और जो सोल है वो सुप्रीम सोल का पार्ट है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम सोल और इसका अल्टीमेट गोल सुप्रीम सोल की सेल्फलेस सर्विस करके स्पिरिचुअल लिबरेशन पाना है। हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़कर हम जीवन के पर्पस को समझ सकते हैं। जीवन के अंत में हम वही कर पाएंगे जिसकी हमें प्रैक्टिस हो। यदि हम जीवन भर सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी कि भोग विलास, मनी, प्रॉपर्टी, पॉपुलैरिटी की इच्छा रखेंगे तो जीवन के अंत में भी हम उन्हीं डिजायर्स के कारण अगला जन्म लेंगे। यदि हमें भगवान की सेवा और उनके नाम में रुचि हो तो अंत समय में हम भगवान का ही स्मरण करेंगे और हम बर्थ और डेथ के रिपीटेटिव साइकिल से अपने आप को लिबरेट कर पाएंगे। दोस्तों हमें आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।